वेलकम टू आश्याम्बिया व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले का भरता, या कह लीजिए कच्चे केले का चोखा। तो सबसे पहले हम लेंगे कच्चे केले, फिर इन कच्चे केलों को छील लेंगे पीलर से। इसका बाहरी हल्का छिलका ही उतारेंगे पहले, इसके जो बाद वाला छिलका है मोटा वाला वो हम नहीं उतारेंगे अभी, वो बॉयल होने के बाद ही उतारेंगे इसको। तो देखिए ऐसे हमने पील कर लेना है, छिलका उतार लेना है इसका केले का। ये कच्चे केले हैं, कच्चे केले का ही भरता बनेगा। केलों को हम गोल मोटे पीसेस में काट लेंगे छीलने के बाद। अब इनको हम धो लेंगे अच्छे से। अब हम इनको धोने के बाद डालेंगे प्रेशर कुकर में। अगर आप प्रेशर कुकर में इनको बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी बर्तन लेकर इसको उबाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे उबालने के लिए। ये उबलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका जो मोटा वाला छिलका था देखिए अपने आप उतर गया है, इसको हम निकाल देंगे क्योंकि अगर इसको हम भरते में डालेंगे इस मोटे छिलके को तो इसका जो टेक्सचर होगा मैश होने के बाद वो इतना अच्छा नहीं बनेगा, स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा, प्लस ये कसैला भी लग सकता है, इसलिए इसका छिलका उतारना बहुत ही ज़रूरी है। ये मोटा वाला छिलका बॉयल होने के बाद ज़रूर रिमूव कीजिएगा। छिलके उतारने के बाद बॉयल्ड बनानास जो है कुछ ऐसे दिखते हैं। ये थोड़ा सा एक छिलका रह गया, इसको मैं पहले उठा देती हूँ फटाफट से। हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च। मिर्च को फ्राई करने के बाद इस तेल को हम अलग से साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि इसे भरते में यूज़ किया जाएगा। यही इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो डाले जाएंगे भरते में। इसमें लहसुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्योंकि वो टेस्ट ख़राब कर देगा। सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल जिसमें हमने मिर्च को फ्राई किया था, सूखी लाल मिर्च को। फ्राई की हुई सूखी लाल मिर्च को हम क्रश कर लेंगे पहले। अब इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस को, प्याज कटे हुए जो थे उनको डाल लेंगे हम सभी। फिर इसमें डाला जाएगा मिर्च फ्राई किया हुआ, क्रश करके रखा हुआ, और इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। फाइनली ये चावल के साथ खाने के लिए रेडी है बिल्कुल ही। अगर आपको आज का भरता यानी चोखा का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए पहले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।